नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट, पर अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? स्टोरेज, दो हेलमेट आराम से आ जाएंगे। पावर 125cc, यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। चंद्रपुर का प्रसिद्ध अखबार पार्थशर समाचार की ओर से चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण पुरस्कार 2024 का आयोजन 9 फरवरी 2024 को एनडी होटल में होने जा रहा है। इस पुरस्कार के निमित्त से चंद्रपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को सराहा जाएगा, जिसके वजह से उन्हें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अच्छे उपक्रम के लिए मैं पार्थशर समाचार के राजेश जी नायडू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहे, ऐसा उनसे अनुग्रह करता हूँ। येत्या 9 फरवरी 2024 ला तिसऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थशर समाचार की तिसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही पार्थशर समाचार अच्छा काम करते रहे, मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 27 दिसंबर 2023 और 26 जनवरी 2024 के लिए लिए गए निर्णयों के कारण कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की शर्तों में छूट दी गई है। ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, विजय एनटी श्रेणियों में फर्जी लोगों की घुसपैठ की संभावना उत्पन्न हो गई है। सरकार के इस फैसले से ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, विजय एनटी वर्ग का आरक्षण खतरे में है, जिसके विरोध में 7 फरवरी 2024 को दोपहर 12 बजे गांधी चौक से जिलाधिकारी चंद्रपुर तक एक भव्य मोर्चे का आयोजन किया गया है। महामोर्चा के आयोजक सचिन राजुरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, विजय एनटी वर्ग के नागरिकों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर सूर्यकांत खनके, नंदू नागरकर, बालू खोबरागड़े, कृष्णा मसराम, डॉक्टर संजय घाटे, डॉक्टर दिलीप कामले, विजय बाल्की, पप्पू देशमुख, सतीश भिवगड़े, प्रोफेसर अनिल शिंदे, प्रोफेसर ज्योति रांगखुडे, संगीता भोयर, प्रमोद बोरिकर आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण के संबंध में सगे सोयरे शब्द की परिभाषा को बदलने और मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देने के लिए महाराष्ट्र सरकार राजपत्र असाधारण भाग 4B दिनांक 26 जनवरी 2024 के अनुसार एक मसौदा जारी किया है। यह मसौदा भविष्य में आरक्षण पाने वाले सभी वर्ग के नागरिकों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, विजय एनटी वर्ग के नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो गया है। इसके विरोध प्रदर्शन के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन राजुरकर ने कहा कि शिंदे कमेटी जहां संवैधानिक नहीं है, वहीं शिंदे कमेटी की सिफारिश पर कुनबी सर्टिफिकेट जारी करना भी असंवैधानिक है। सरकार के अनुचित रुख के विरोध में और 27 दिसंबर 2023 के राजपत्र को रद्द करने और ओबीसी, एससी, एसटी के साथ सभी समुदायों की जातिवार जनगणना करने की मांग को लेकर 7 फरवरी को चंद्रपुर कलेक्ट्रेट पर एक भव्य मोर्चा आयोजित किया जाएगा। ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि भटक्या जमातीचा मोर्चा निघणार आहे। आमचं आरक्षण अबाधित राहावं यासाठी हा मोर्चा आहे। सरकारने जे अधिनियमामध्ये जे बदल केले आहेत ते अधिनियम रद्द करावे आणि ओबीसी समाज असो, आदिवासी समाज असो, दलित समाज असो, त्याचबरोबर इतर समाजातसुद्धा जातनिहाय जनगणना करावी, यासाठी येणाऱ्या 7 तारखेला गांधी चौक ते जिल्हाधिकाऱ्यालयावर हा मोर्चा निघणार आहे। कमीत कमी किती लोक असू शकते मोर्चामध्ये? साधारणतः 15,000 लोक या मोर्चामध्ये सहभागी होणार आहे। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज तंदूरी कबाब, रानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट
ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर नियर क्रोमा शोरूम नागपुर रोड चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199। पार्थ सर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना का करना चाहूँगा कि ये पार्थ सर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थशर समाचार के तीसरे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पार्थशर समाचार जो है वो दिन ब दिन इसकी प्रगति हो, ऐसी मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। यूपी बिहार की तरह महाराष्ट्र को महायुति ने बना डाला है। सत्ताधारी विधायक थाने पर फायरिंग करा रहे हैं, सत्ताधारी विधायक पुलिस पर हाथ उठा रहे हैं। सत्ता के इस्तेमाल, बंदूकों के इस्तेमाल, बदलाव की राजनीति के कारण राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। सरकार के मन में वास्तव में क्या है? क्या राज्य को अशांत और भय पैदा कर शासन करने की असली गारंटी मोदी की है? विधानसभा में विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। हाल ही में विधायक गणपत गायकवाड़ द्वारा शिंदे गुट के कल्याण पूर्व शहर प्रमुख पर राजनीतिक दुश्मनी के चलते गोली चलाने की घटना घटी है। इस पर वडेट्टीवार ने तीखी प्रतिक्रिया देकर सरकार को सख्ते में डाल दिया। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, वे भी बीजेपी को भी धोखा देने जा रहे हैं। जब तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र में केवल अपराधी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में गैंगस्टर पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए खा लिए, उनके सांसद बेटे ने हर जगह भ्रष्टाचार किया। ये सारी बातें गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। दरअसल महायुति में विधायक गणपत गायकवाड़ की बातें सुनकर वडेट्टीवार ने यह बयान दिया है। नगर के एमएलए ने जो ठाणे जिले में खुद मुख्यमंत्री के डिस्ट्रिक्ट में आपस में जो टकराव हुआ और वो गोलीबारी चली, अब तो ये कानून सुव्यवस्था इस राज्य की खत्म हो चुकी है। कोई किसी के ऊपर धाक नहीं है। सरकार के भरोसे, पुलिस के भरोसे, सत्ता के भरोसे ये अभी कुछ भी करने को तैयार है। ठाणे जिले में भूमाफिया का संचार तो है ही, पर सत्ताधारी आपस में जब भिड़ते हैं तो जनता किसके तरफ देखेगी, ये सवाल आता है। और मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे वैसे ही राज्य की लूटमार ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ेगी और आपस में टकराव होगा, हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। इसका मतलब सीधा है कि इस राज्य की कानून और व्यवस्था को पूरा खड्डे में डाला गया है, किसी का धाक नहीं रहा। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो जाए और मुख्यमंत्री को भी इसके तरफ, अगर वो उसके खुद के डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटना घटती है तो मुख्यमंत्री का भी कितना कंट्रोल राज्य के ऊपर है, ये भी सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्थशर समाचार इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है। सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थशर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए, इसके लिए मैं सूरज ठाकरे आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ।
इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से इनके जिन्हें भी मिल रहा है उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। पार्थशर समाचार यांचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा होता है आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर रत्न आणि चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण असा पुरस्कार पार्थशर समाचारद्वारे देण्यात आलेला आहे। नियमित पार्थशर समाजाचं जे हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहेत हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे आणि पार्थसर समाचारचा जो तिसरा वर्धापन दिन आहे त्या दिनासाठी सुद्धा मी माझ्याकडनं मी रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे।